दोस्तों जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे हमारा जो फोन का साइज है वो बढ़ते जा रहा है। छोटा फोन किसी को पसंद नहीं है, जितना बड़ा उतना बढ़िया है। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा फोन जो कि साइज में हद से ज्यादा छोटा है। दिस इज दी वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट मोबाइल फोन। इसके अंदर जो फोन है वो हद से ज्यादा टेनी टाइनी है। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सबका स्वागत करता हूं द इंडियन अनबॉक्सिंग के फर्स्ट वीडियो में। तो इस फोन के साथ में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि बॉक्स के ऊपर फोन की दो फोटो लगी हुई हैं, लेकिन मेरे अंदाजे से जितनी बड़ी ये फोटो है ना, उससे कहीं छोटा ये फोन है, क्योंकि इतना बड़ा तो शायद नहीं होगा। तो भाई यहां पर लगी हुई है एक सील। नहीं, इसको हटाने से पहले आपको बॉक्स दिखा देते हैं। यहां पर इसकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है जो कि है केचा ओडा कुछ करके ऐसा है। K10 इसका मॉडल है। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये नाम क्या है, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो कमेंट्स में बता दीजिए। पीछे की तरफ अगर बात करें तो भाई यहाँ पर इसके IMEI नंबर लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है भाई 0.66 इंचेस की स्क्रीन है। GSM इसमें डलती है, सिम डलती होगी माइक्रो सिम, साथ में ब्लूटूथ डायलर भी है, मिनी ब्लूटूथ कुछ लिखा हुआ है जो कि इसके नीचे दब गया है, और हाई एनर्जी करके भी कुछ लिखा हुआ है। और दोस्तों मैं हूं बहुत एक्साइटेड इसको खोलने के लिए। यहां पर लगी हुई एक सील आपके सामने, तो इसको सबसे पहले हटा देते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का फोन यहां पर दिखने वाला है। 3, 2, 1 गो। फोन नहीं आया हमारे पास में, हमारे पास में आया वारंटी कार्ड जिसको साइड में रखते हैं। उसके बाद में यहां पर है भाई एक मैनुअल जिसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इस फोन को एक ब्लूटूथ की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भाई ओहो यहाँ पर है दोस्तों फोन, और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं कहीं ज़्यादा ये साइज में छोटा है, देखो ज़रा। लेकिन उसे पहले नज़र डाल लेते हैं बाकी कंटेंट्स पे। यहाँ पर है एक USB चार्जिंग केबल। इसके अलावा यहाँ पर है एक इस तरीके का पीस जो कि मुझे लगता है कि इसको एज एन ब्लूटूथ यूज़ करने के काम आएगा। ये तीनों चीज़ें वही लग रही हैं मेरे को इसको कान में लगाने के लिए। इसके अलावा डब्बे के अंदर और कुछ है नहीं, आप लोग देख ही सकते हो। तो इनको रखते हैं साइड में भाई और बढ़ते हैं हमारे फ़ोन की तरफ। कितनी सी पन्नी में है यार, हद हो गई है। तो साइज़ देखो मेरा जो हाथ है वो इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इवन मेरी जो फिंगर है ना, कोई सी भी सबसे छोटी वाली फिंगर भी इससे बड़ी है, देखो ज़रा यार ये हद से ज़्यादा छोटा फ़ोन है। ओह माय गॉड, इतना सा फ़ोन है। ऊपर लगा हुआ है किस तरीके का स्क्रीन प्रोटेक्टर, मैंने हटा दिया। फ़ोन है बंद यानी कि स्विच ऑफ। यार देखो एक बार साइज, अगर इसको ऑन करें तो स्क्रीन चालू होगी। बिल्कुल यहाँ पर आप लोग देखो कि स्क्रीन चालू हो चुकी, साउंड भी आता है, क्या बात है। इसके अंदर लिखा हुआ है भाई इंसर्ट सिम, आप लोग देख सकते हो शायद। एक बार फिर से इसको आपको चालू करके दिखाता हूं, बहुत मस्त साउंड आया था। नहीं बजा, बजेगा अरे वाह यार, मजा आ गया यार। टाइम भी दिखा रहा है 3:41 AM रात के 3:41, अभी तो नहीं हुआ यार। और ये जो है ना ब्लूटूथ की तरह भी काम करता है। तो वो किस तरीके से करता है यहाँ पर आपको दिखाते हैं। एक्चुअली मैंने भी कभी किया नहीं है, पर शायद ये इसमें लगेगा। जी बिल्कुल, ये इसमें फिट हो गया कुछ इस तरीके से, ये हो गया देखो। और ये जो पीस है ये लगेगा इसके ऊपर, है ना, और ये वाला टुकड़ा लगेगा यहाँ पे। तो भाई लेफ्ट साइड का ब्लूटूथ बन गया है। इसको लगा करके दिखाते हैं आपको, ये देखो। इसको अनलॉक करने के लिए हमें पुराने वाले नोकिया वाले सिस्टम का यूज करना पड़ता है। अनलॉक दबाने के बाद में नाउ प्रेस स्टार ये दिखाता है, तो स्टार दबाएंगे अनलॉक हो गया। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है, देखो मैं कुछ नंबर डायल करूंगा ये बोलता है कि हम क्या डायल कर रहे हैं। देखो 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 स्टार 1। अरे यार अलग ही मजा है इसको चलाने में। पीछे की तरफ अगर देखें तो भाई यहाँ पर जो है इसका IMEI नंबर लिखा हुआ है और मेड इन चाइना लिखा हुआ है। इसकी बॉडी जो है वो प्लास्टिक की मुझे फील हो रही है, एंड आई डोंट थिंक ये फोन खुलता होगा कहीं से भी। यहाँ पर सिम डलने के लिए जरूर से खुलता है, ये देखो यहाँ से खुलता है और यहाँ पे सिम लगती है।
तो भाई इसके अंदर की अगर मैं सेटिंग्स आपको दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है, ज़रूरी होता है, उसके अलावा मैसेजेस है, कॉल लॉग्स है, ऑर्गेनाइजर है। सेटिंग्स के अंदर क्या है यार, सेटिंग्स के अंदर प्रोफाइल्स है जिसमें कि साउंड वाली चीज़ें हम सेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी है, कॉल सेटिंग है, रिस्टोर सेटिंग, यार कितना कुछ दिया हुआ है इन्होंने। और भाई इसके अलावा ऑडियो है, शायद इसमें म्यूज़िक भी प्ले हो सकता है ना। और इसके अलावा इसमें ये सब कुछ है यार, इतने से फ़ोन में जो स्क्रीन है ना वो 0.66 इंचेस की है, एक इंच भी नहीं है यार, कितनी सी स्क्रीन है देखो ज़रा। अगर इसको ब्लूटूथ से मैं आपको कनेक्ट करके दिखाऊं, मैं इसको मेरे ब्लूटूथ में सर्च करता हूं, स्कैन हो रहा है, ओके, इसमें भी। और भाई हमारा जो फ़ोन है वो इससे कनेक्ट हो गया, तो अब इसमें कुछ बजाते हैं। आवाज़ इसमें नहीं आ रही, आवाज़ इसमें आ रही है एक्चुअली, अगर मैं इसको अपने माइक के पास लेकर गया हूँ तो आप लोगों को सुन रहा होगा, वीडियो इसमें चल रही है, आवाज़ इसमें आ रही है। और यार मुझे लगता है कि इस फ़ोन के अंदर जो बज रहा है ना ब्लूटूथ से, जो आवाज़ इसमें आ रही है उसको हम इससे चेंज भी कर सकते हैं शायद। देखो इसको हम रिमोटली कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से यूट्यूब पर ऐड आ गई, ये देखो अपने आप ही चेंज हो रहा है। सही है यार, यानी कि पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में इस फोन के अंदर। तो इसको बंद करते हैं अब और हमारे फोन को देखते हैं अच्छे से। यहाँ पर यूएसबी केबल है जो कि शायद चार्जिंग के काम आती होगी, जी बिल्कुल इस तरीके से लग जाती है। इसको हम हमारे लैपटॉप में या चार्जर में लगा करके चार्ज कर सकते हैं, यार क्या कमाल का छोटा सा फोन है। तो भाई अब इस फोन से करते हैं कॉल। ब्लूटूथ से कॉल हो रहा है, ये वाला फोन कॉल कर रहा है, इसने कॉल मिला दिया, इसमें आना चाहिए। और भाई क्या बात है यार, कॉल आ गया इस फोन के ऊपर, डायल इससे कर रहे हैं, ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, मतलब एकदम बढ़िया से फोन काम करता है। और इसके अंदर हम इसलिए नहीं डाल पाए सिम, क्योंकि इसके अंदर बड़ी सिम डलती है, मीडियम साइज वाली, वो हमारे पास थी नहीं, काम ऑब्वियसली करने वाली है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मजा आया तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर देना, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की और वीडियोस बनाई जाए तो नीचे लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे कमेंट्स में भी बताओ। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।